भरतपुर में बच्चे से कुकर्म का मामला सामने आया है, जहां पर न्यायाधीश और उसके दो साथियों पर कुकर्म का आरोप है। 14 साल के बच्चे से कुकर्म का आरोप। आरोपी जज एसीबी न्यायालय में तैनात पीड़ित बच्चे और उसकी मां ने आरोप लगाया है और आरोपी जज पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी का आरोप है। पीड़ित बच्चा 7वीं कक्षा का है और डिस्ट्रिक्ट क्लब में टेनिस खेलने जाता था बच्चा। आरोपी जज बच्चे को बहला फुसला कर ले गया था और आरोपी जज ने घर ले जाकर बच्चे को शराब पिलाई थी। आरोपी जज ने फिर बच्चों के साथ कुकर्म किया। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी भरतपुर से, जहां पर भरतपुर में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है, कुकर्म किया गया। वही जज ने भी मामला दर्ज करा, इस मामले में एक्सटेंशन का मामला कराया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक्सटॉर्शन का ये मामला दर्ज कराया गया। कुकर्म के नाम पर 3 लाख मांगने का आरोप। आपके साथ और आज थाना मथुरा गेट पर श्री जितेंद्र गुलिया सेशन जज भ्रष्टाचार निरोधक संभाग भरतपुर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि एक व्यक्ति उनके रिश्तेदार के बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाकर जितेंद्र गुलिया जी से 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, जिस पर उनके विरुद्ध एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिस बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, उस बच्चे के माँ ने जितेंद्र गुलिया और उनके स्टाफ अंशुल सोनी और राहुल कटारा और जितेंद्र जी के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि उनके बच्चे का 1 महीने से यौन शोषण किया जा रहा है, उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और अप्राकृतिक मैथुन किया जा रहा है। इसके संबंध में धारा 377 IPC और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है और जांच से जैसा पाया जाए कार्रवाई की जाएगी। कैसे पता लगा बच्चा कहाँ जाता था आपका? टेनिस स्कूल में जाता था। ये माँ टेनिस से बच्चे से कांटेक्ट में हुए और बच्चे को पहला फसला के अपने घर ले गए और उसके फिर अपने तरीके से उस बच्चे को मजिस्ट्रेट घर आया था आपके? हाँ, घर आए थे, माफ़ी मांगे। जब मैंने बच्चे को रोक दिया, बच्चे को जाने में तो घर आके माफ़ी मांगने आए और अब मतलब मैंने उनके लिए वो ड्रेस कराई है तो अब मेरे पापा